प्रदेश में 10वीं बोर्ड के नतीजों से उत्साह का माहौल, प्रतिशत बढ़ने के साथ ही महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, एक स्कूल से 17 मेरिट, दूसरे दिन भी चर्चा में। म्यांमार मिशन पर दूसरे दिन भी बयानबाजी, पाकिस्तान बोला शबे बारात के लिए नहीं रखा एटम बम, पारिकर बोले सेना के मनोबल के लिए सार्वजनिक किया ऑपरेशन। दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों की मुश्किलें जारी, सोमनाथ भारती के घर पत्नी प्रताड़ना के आरोप के बाद महिला संगठनों का प्रदर्शन, फर्जी डिग्री केस में तोमर की अर्जी खारिज। अजमेर में तेलंगाना से आए जायरीन हुए हादसे का शिकार, दो गाड़ियों की भिड़ंत में 7 की मौत, 10 घायलों का इलाज जारी। डॉक्टर को थप्पड़ मारने के आरोप में सिंगर मीका की गिरफ्तारी, थाने से मिली जमानत, दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के नतीजों ने इस बार सब में उत्साह भर दिया। शिक्षा मंत्री से लेकर सरकारी स्कूल और निजी स्कूल बड़े पासिंग परसेंटेज से लेकर काफी उत्साहित है। इस बीच हर क्लास की मेरिट के साथ ही कुल नतीजों में लड़कियों ने बाजी मार कर जाहिर कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं है। इन सब बातों के बीच गंगापुर सिटी का निजी स्कूल भी चर्चा में है, जहाँ इतिहास में पहली मर्तबा एक जगह से 17 मेरिट और पहले से लेकर 5वें स्थान तक बच्चे काबिज हुए हैं। इस बीच चंद सवाल, शिक्षा की गुणवत्ता, बेहतर नतीजों के पीछे के प्रयास, प्रदेश में सरकारी स्कूलों की में शिक्षा की स्थिति के साथ ही सफलता के लिए बढ़ते कोचिंग की क्रेज से जुड़े होंगे खास मेहमान और आपकी राय के साथ बिग फाइट लाइव जारी है। बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष विमल प्रसाद अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, शिक्षाविद अरविंद माथुर साहब हमारे साथ हैं, माणक चौक स्कूल के प्रिंसिपल जयपुर से महावीर गर्ग जी हमारे साथ हैं, जयपुर की वीर सावरकर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश शर्मा हमारे साथ हैं, प्रेरणा कॉलेज अजमेर के प्रमोटर गौतम जैन साहब बातचीत में हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजों का ऐलान बुधवार को मंत्री वासुदेव देवनानी ने कर दिया। इन नतीजों के बाद निजी सरकारी स्कूलों के साथ ही शिक्षा मंत्री खुद काफी उत्साहित नजर आए थे। पहले 15 स्थान पर 102 बच्चों ने जगह बनाई, तो पिछले साल के 66.46% से 11.64% आगे बढ़कर इस बार का परिणाम भी 79% रहा, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में पहली मर्तबा ही देखने को मिला है। इन नतीजों की खास बात ये रही कि मेरिट में आने वाले 102 बच्चों में से 54 छात्राएं शामिल थी, जो दिखाता है कि 77.87% छात्रों से आगे इस बार भी 78.14% पास होकर बेटियां आगे रहीं। 10वीं बोर्ड के इन नतीजों ने जाहिर है सभी में जमकर उत्साह भरा, लेकिन इस बीच गंगापुर सिटी की क्रिएटिव पब्लिक स्कूल से 17 मेरिट का मसला भी सभी के जहन में गोंद रहा था। एक सवाल, नकल संभावित इलाकों के 4 स्कूलों से मेरिट में शामिल 28 बच्चों का भी था। ऐसे में शिक्षा मंत्री के साथ ही बोर्ड अध्यक्ष बीएल चौधरी के सामने भी सवालों की लंबी फहरिस्त नजर आई। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या एक ही स्कूल से 17 मेरिट भी संभव हो सकती है। वहीं दूसरा बड़ा सवाल था कि नकल की दृष्टि से संवेदनशील जिले ही मेरिट में कैसे सिरमौर बन पाए। ऐसे में सभी 102 टॉपर्स की दोबारा से कॉपी जांच का भरोसा बोर्ड की तरफ से दिलवाया गया। तो एक सवाल, सवाई माधोपुर में तैनात अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी देवीलाल मीणा के इर्द गिर्द भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि मीणा का पुत्र दीपक भी इसी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था और मेरिट में उसने दूसरा मुकाम हासिल किया है। जाहिर है जिले में हुई परीक्षा के दौरान जांच का जिम्मा देवीलाल मीणा के पास ही था। खैर, सारा सच जांच के बाद सामने आ जाएगा।
इस बीच अच्छी खबर है कि पुष्कर घाटी से मुश्किल समझे जाने वाली राजस्थान बोर्ड की दसवीं का परीक्षा परिणाम ऐतिहासिक रहा है, जो इशारा है कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में इजाफा हुआ है। तो इशारा साफ है कि इस बार गुणवत्ता के साथ ही नतीजे भी बेहतर देखने को मिले हैं। विमल अग्रवाल साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, दसवीं बोर्ड के जो नतीजे आए हैं उन पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले बोर्ड के हाथ में परीक्षा परिणाम घोषित करना है, परीक्षाओं का आयोजन भी उनका रहता है, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शिक्षक करते हैं, उन्होंने जो अंक दिए हैं और विद्यालय के द्वारा जो 17 अंक भेजे जाते हैं उनके आधार पर निकल कर आता है जी। तो इस सब के कारण यदि विद्यार्थी अधिक मेहनत करेंगे, उनके शिक्षक अधिक मेहनत करेंगे तो परिणाम भी स्वाभाविक रूप से अच्छा आएगा ही। तो इसके पीछे आपका क्रेडिट आप मानते हैं स्कूल को जाता है, टीचर्स को जाता है बेहतर नतीजों के लिए? जी हाँ जी। चलिए गौतम साहब, आपके पास में अब आ रहे हैं, इसमें अगर मेंटेलिटी की बात की जाए, मेंटल लेवल की बात की जाए, बच्चों के लिए क्या प्रेशर होता है एग्जाम से पहले, आपसे जानना चाह रहे हैं, और उसको किस तरह से स्कूल्स या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है एजुकेशन से जुड़ी, वो किस तरह से हैंडल करती है? देखिए, आज की तारीख में विद्यार्थियों पर भी काफ़ी प्रेशर रहता है। प्रेशर की सबसे बड़ी वजह है महंगी शिक्षा। आजकल हम देखें तो जहाँ एक ज़माना था स्टूडेंट स्कूल जाता था मात्र कुछ चंद रुपये देकर और पढ़ाई कर लेता था, आज एक स्कूल का फॉर्म हज़ारों रुपये का आता है, तो वो एक मानसिक दबाव भी रहता है, कई परेशानियाँ झेलता विद्यार्थी। तो इस तरह से हम देखें तो कई समस्याएँ सामने आती है। फिर देखें हम बात पढ़ाई की, तो दबाव थोड़ा कम क्यों हुआ है, कुछ दबाव बढ़ा है कुछ कम भी हुआ है। शिक्षा का आधुनिकीकरण, नेट की सुविधाएं, काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन के साधन मिले हैं जी, तो कई चीज़ें बदली है। तो अगर हम दो दौर की बात करें, पहले के समय की और आज की, तो तुलनात्मक अंतर देखने को मिलेगा, काफ़ी फर्क आया, काफ़ी फर्क आया। चलिए अरविंद माथुर साहब, मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा, कल जो नतीजे दसवीं के आए उसके बाद में चर्चाएं कई तरह की रही, लेकिन शिक्षाविद होने के नाते मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि आपकी राय क्या है उन नतीजों को लेकर। यकीनन संशय वाली चीज़ तो है, किसी एक ही विद्यालय से इतने विद्यार्थियों का एक साथ मेरिट में आना, लेकिन इसके साथ साथ ये कि निजी जो विद्यालय हैं उनके जो संचालक हैं, उनका जो स्टाफ है, वो पूरी पूरी मेहनत करता, पूरी पूरी कोशिश करता है कि बच्चों को अतिरिक्त समय मिले, शिक्षा के समय के अलावा भी उनकी अतिरिक्त कोचिंग हो। ये प्रयास निजी स्कूलों में, निजी स्कूलों में भी है जी, और उनके प्रयासों का फल हो सकता है ये। और कुछ इसमें आप जोड़ना चाहेंगे? यकीनन आजकल इसके साथ साथ जैसा भी गौतम साहब ने बतलाया जी, कि यकीनन विद्या के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है, पहले के समय को देखें और आज के समय को देखें तो यकीनन बहुत बदलाव आया है, बच्चों को सुविधाएं भी बहुत मिली हैं, और जगह जगह देखें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे खुल चुके हैं जी, और माँ बाप भी इस शिक्षा के प्रति अवेयर हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि उनकी जागरूकता के लिए कह सकते हैं, जिस विषय पर सबसे ज़्यादा शिक्षा मंत्री खुश हैं, गुणवत्ता बढ़ी है। इस बीच में सरकारी स्कूलों का भी सवाल है, और सरकारी स्कूलों में क्या तैयारी नहीं होती, मेरिट दो इस बार दसवीं में देखने को मिले। महावीर जी, आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को लेकर सवाल क्यों खड़ा हो जाता है ऐसे दौर में, जब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है, परसेंटेज बढ़ता है, और माणक चौक जैसा स्कूल जो जयपुर का नामी स्कूल था, है और उसे आज भी गिना जाता है। राजकीय विद्यालयों की स्थिति निजी विद्यालयों से बिल्कुल भिन्न है, वहाँ की आवश्यकताएं बिल्कुल अलग हैं, बच्चों के जो प्रवेश देते हैं वो बालक बिल्कुल अलग हैं, बल्कि राजकीय विद्यालयों पर एक अतिरिक्त बोझ होता है जो निजी विद्यालयों का भी बहुत सारा बोझ होता है जो राजकीय विद्यालय उठाते हैं, जैसे बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन, विभिन्न प्रकार के जो हमारे सरकारी जो दूसरे कार्य हैं जिसमें हमारे अध्यापक व्यस्त हो जाते हैं, जैसे BPL में जिसकी ड्यूटी लग गई वो BPL में लग गया तो करीब 5-6 महीने एक बार में निकल जाता है, एक वर्ष में 3 चुनाव हुए, पूरा अध्यापक वर्ग उस चुनावों का संपन्न करवाता है, फिर भी राजकीय विद्यालयों का जो परीक्षा परिणाम है वो कोई कम नहीं है। सवाल मेरिट का है, बार बार ये कहा जाता है कि भाई राजकीय विद्यालयों की मेरिट नहीं आती है, मेरिट आने के पीछे एक कारण है जो मैंने अभी थोड़ा सा सर्वे किया है कि अभी मैंने 12वीं आर्ट्स का जो रिजल्ट आया है उसका मैंने पूरा जो मेरिट आई है 25 बच्चे हैं इसमें, और उनका मैंने सबके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखे कि उसमें दो सब्जेक्ट सबके प्रैक्टिकल हैं, सबके ज्योग्राफी और ड्राइंग सबके पास है,
क्योंकि मेरिट आधार किसी भी मेरिट में आना या नहीं आना किसी भी के मूल्यांकन इस बात का नहीं हो सकता कि वो कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, बल्कि जो विषयों की जो सीनियरिटी दी है, जो उसमें अधिकतम प्राप्तांक दिए हैं सब्जेक्ट के, तो हिंदी विषय में, ज्योग्राफी में ऐसे हमारे राजकीय विद्यालय हैं जिनके जिन्होंने टॉप भी सब्जेक्ट में किया है, आप उठा करके दें नेट पर इसमें पढ़ा हुआ है। अपन ऐसा नहीं कह सकते एक साथ ही कि राजकीय विद्यालयों में कुछ नहीं हो रहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। सुविधाओं पर अगर गौर किया जाए तो सरकारी स्कूल बेहतर कर पाएंगे, बहुत सारे कारण हैं जिसके, क्योंकि हमारा अध्यापक है, बार बार आरोप ये लगते हैं कि हम काम नहीं करते, जबकि वास्तविकता स्थिति होती है कि हम अनेक सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको विद्यालय के साथ साथ में उन कामों को भी हम करते हैं। तो निस्संदेह जब से ये दिसंबर 14 से लेकर के और जनवरी 15 से लेकर के विभिन्न प्रकार के हमारे निदेशक महोदय ने, शिक्षा सचिव महोदय ने अनेक प्रकार की, क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरा है? क्योंकि दो मेरिट आई है, परसेंटेज भी अच्छा रहा है इस बार सरकारी स्कूलों में पासिंग स्टूडेंट्स का देखा जाए तो। निश्चित रूप से इसमें पासिंग परसेंटेज बढ़ा है सबका और पिछले वर्ष से परिणाम बहुत बेहतरीन है जी। और इस साल जो भी हमारे को योजना दी है अपने मंत्री महोदय ने, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं दी है हमारे को, अनेक प्रकार के आदर्श विद्यालय और जो दूसरी चीजें स्थापित की हैं, निश्चित रूप से इसके बेहतरीन परिणाम आगे देखने को। सुरेश जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले एक बार अग्रवाल साहब, मैं आपके पास में आना चाह रहा हूँ और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये नतीजे जो ओवरऑल है, जो लगातार परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, इसको शिक्षा के अच्छे परिणाम के तौर पर देखा जाए, ऊंचे पायदान पर शिक्षा अग्रसर हो रही है, इस तरह से समझा जाए? निश्चित रूप से शिक्षा का इस तरह भी बढ़ता है तो बच्चे का मानसिक विकास तो कहा ही जाएगा जी। अब एक बात निश्चित रूप से हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि बोर्ड में मेरिट या और भी किसी स्थान पर मेरिट में स्थान पाना जी, वो नकल के आधार पर संभव नहीं है। नकल के आधार पर पास हुआ जा सकता है लेकिन बोर्ड या और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में मेरिट नहीं प्राप्त की जा सकती। दूसरी बात, यदि कहीं नकल की बात करते हैं तो मैनेजमेंट को पहले से ही ध्यान में रहेगा और जिन निजी विद्यालयों की बात हम कर रहे हैं उनके सेंटर्स उनके अपने विद्यालय नहीं होते जी, उनके सेंटर्स भी कहीं किसी राजकीय विद्यालय में हैं। और यदि किसी निजी विद्यालय में बोर्ड ने सेंटर रखा भी है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट उन्होंने राजकीय विद्यालय का दिया है। इसलिए अपने सरकार के ही लोग रहने के बाद हम निजी विद्यालयों पर आक्षेप करें या उंगली उठाएं ये संभव नहीं है। परंतु एक मूलभूत अंतर हमको ध्यान में आता है कि जैसा महावीर जी ने भी संकेत किया कि राजकीय विद्यालयों में आने वाला विद्यार्थी आज सामान्यतः समाज के सबसे नीचे वर्ग से आ रहा है, अधिकांश विद्यार्थी ऊंचे वर्ग से बहुत कम आ रहा है। इन निजी विद्यालयों में जैसा अभी बातचीत में आया भी कि वहाँ बहुत ऊंची फीस है, ऊंची फीस देकर वो बच्चे पढ़ते हैं तो वो आने वाले उनके पारिवारिक वातावरण इस सरकारी विद्यालय के बालकों के पारिवारिक वातावरण से भिन्न है। दूसरा, वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, व्यवस्थापन है, उसका भी अंकुश उन शिक्षकों पर बहुत है। सरकारी विद्यालयों में उतना अंकुश कहीं नहीं रह पाता, कहीं तो पूर्ति नहीं है और है भी तो गैर शैक्षिक कार्यों में उनको बहुत लगाया जाता है। तो ये और एक और बात यदि ध्यान करें तो तीसरी बात ये ध्यान में आएगी कि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों के माता पिता जागरूक तो हैं ही, जागरूक के साथ साथ वो स्वयं भी शिक्षित हैं और अपने बालकों को अतिरिक्त कोचिंग या ट्यूशन भी वो कराने की सामर्थ्य रखते हैं। ये तथ्य गौर करने लायक है। सुरेश जी, गुणवत्ता बढ़ी है शिक्षा में राजस्थान में खासतौर पर, क्योंकि दसवीं को अगर देखा जाए, राजस्थान बोर्ड की दसवीं को काफी कठिन परीक्षा के तौर पर देखा समझा जाता रहा है आज तक। जी बिल्कुल, दसवीं का जो परिणाम है वो पहले से काफी बेहतर होता जा रहा है। इसके पीछे यदि निजी स्कूलों की सफलता को निकाल दिया जाए तो सरकारी स्कूलों की सफलता को आप सामने रख के दीजिए कितना परिणाम बचता है जी। इस बार बेहतर रहे हैं नतीजे, इस बार नतीजे बेहतर रहे हैं। उसका कारण यह है कि निजी स्कूलों की इसमें बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा योगदान है। जैसा सरकारी स्कूलों का भी एफर्ट इस बार अच्छा रहा है, सरकारी स्कूलों का भी एफर्ट अच्छा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एक स्कूल की यदि 17 मेरिट आती है तो उसको संशय की नजर से क्यों देखा जाता है? क्या वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं है? क्या वहाँ अध्ययन नहीं होता? इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ। इतिहास तो बनते ही है। जिले से बिल्कुल इतिहास बनते हैं और स्वागत है, इसीलिए हमने ये कहा कि गुणवत्ता हुई है, मेहनत रंग लाई है। आज का सब्जेक्ट जो है उसका टॉपिक भी हमने यही रखा है। दो दर्शक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, कृष्णा कोरानी जी हैं जयपुर से और राजेंद्र जी हैं अजमेर से हमारे साथ। कृष्णा जी बताइए आपकी क्या राय है? परीक्षा में तो ये कहूंगा जी, दसवीं का जो रिजल्ट दिया है इन्होंने काफी गलत ही दिया है, क्योंकि मेरी बेटी को लेके, मेरी बेटी एक सब्जेक्ट में जो पिछले साल इतना अच्छा नंबर लेके आया, जो उसको एक सब्जेक्ट के अंदर उसको रिजेक्ट करके उसको फेल निकाल दिया।
जी। और जिस बच्ची ने रात दिन एक करके इतनी मेहनत करी, उस बच्ची के प्रति इन्होंने इतनी लापरवाही दिखाई, मुझे समझ में नहीं आई। और जिस बच्चे ने मेहनत नहीं करी उनके तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मार्क नंबर आ गए। ये कैसे, ये तो कॉपी के आधार पर आकलन हुआ कृष्णा जी? हाँ जी, कॉपी के आधार पर आकलन हुआ होगा। हाँ सर, कॉपी के लिए आकलन तो जबकि वो गरीब, बोले पापा मैं पिछले साल वो मैथ्स के अंदर इतनी टॉप थी और इस बार उस मैथ्स के अंदर ही उसको फेल कर दिया। मुझे ताज्जुब तो इस बात की लग रही है कि हो क्या रहा है बच्चे। चलिए, ये एक नजरिया। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जैन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे अजमेर से? मैं अजमेर से राजेंद्र चोरडिया बोल रहा हूँ। हाँ जी बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में अजमेर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है अपने आप में एक बहुत अनूठा वो केंद्र है और इसका भारतवर्ष में नाम था। आज के सालों के अंदर जो है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव में थोड़ा इसका नाम बदनाम हुआ, लेकिन अभी सरकार ने अच्छा कार्य किया है, अच्छा कार्य करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। शिक्षा का स्तर सुधरेगा, सरकार चलिए उम्मीद सभी करते हैं बेहतर हो, नतीजे बेहतर हो और शिक्षा बढ़ती जाए, ये लगातार प्रयास सभी के रहते हैं। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। और सबसे बड़ी चर्चा जो पूरे राजस्थान में है, एक स्कूल से 17 मेरिट, इसी पर बात होगी अगले दौर में, बने रहिए। निश्चित है कि इससे सरकारी स्कूल का स्तर भी सुधरा है और ये सरकार की जो अच्छी नीतियाँ हैं जिसके पीछे पूरे देन सरकार, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय ने जो कार्य किए हैं उसका परिणाम है, वहाँ अच्छी सुविधा के आधार पर परिणाम आ रहे हैं। जो राजस्थान का बोर्ड है वो CBSE से कंपटीशन कर रहा है, तो ये जांच का विषय तो है ही है और इसमें नकल पढ़ने और पर्यवेक्षक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी इस विषय में तुरंत कहना जल्दबाजी होगा, यदि कोई विषय ध्यान में आया तो निश्चित रूप से हम समीक्षा करेंगे। पहले ये टेंटेटिव मेरिट है, पहले सर पहले जो चार स्थान है वो भी एक स्कूल के हैं, उसके बाद में अगर हमने इसमें कुल देखा, कुल 16 विद्यार्थी एक स्कूल के आ रहे हैं। अभी तक बोर्ड के इतिहास में मुझे नहीं मालूम, मेरी जानकारी इतनी है कि कभी आए हो, अगर कोई जानकारी हो तो बताइए। ना ऐसी कोई बात आई तो इसकी समीक्षा करें। इसमें वास्तविकता भी हो सकती है और कोई गड़बड़ी की भी आशंका हो सकती है, दोनों ही बात हो सकते हैं। वैसे तो बोर्ड की व्यवस्था है कि वो कहाँ किस बच्चे का किस स्कूल का सेंटर देते हैं। मुझे भी एक दो गार्जियन के फॉर्म पर सूचना आई थी कि साहब फला आपके सेंटर पे नकल कुछ चल रही है, तो मैं परीक्षा के बाद सेंटर सेक्रेटरी से मिला था, उनको ये इस बात से अवगत नहीं कराया था कि भाई आपके सेंटर पर नकल चल रही है, ऐसी सूचना है, आप उस पर ध्यान दें। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था भाई किसी प्रकार की नकल नहीं करवा रहे और बड़े फेयर तरीके से परीक्षा। वैसे तो मुद्दापुर सिटी शिक्षा की नगरी है, यहाँ पर सभी विद्यालय वाले अच्छी मेहनत करवा रहे हैं, फिर भी एक साथ 17 मेरिट आना एक आश्चर्यजनक बात होती है। सभी को ये असंभव सी बात है कि ऐसे मेरिट आना, तो ठीक है मेरिट आई है, मगर इसकी निष्पक्ष हमारे संघ के द्वारा स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान के महामंत्री के नाते और पूरे संघ की ओर से हम तो इसकी जांच, निष्पक्ष जांच हो, जो भी तथ्य है वो सामने आए। क्रिएटिव स्कूल के बालकों का सेंटर एक ही जगह रखा गया था। हाँ, अमूमन ऐसा होता नहीं है, दो या तीन स्कूल या चार स्कूलों का विद्यार्थियों को एक स्कूल में मर्ज करके तब परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। अब जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या सोच करके एक स्कूल का सेंटर दिया, ये तो वही जाने। इस चर्चा में एक सवाल भी आज आपके बीच में हम लेकर आए हैं, क्या 10वीं बोर्ड के नतीजे शिक्षा के ऊंचे पायदान के संकेत हैं? आप अपनी राय firstindianews.com हमारी वेबसाइट है इस पर दे सकते हैं, फेसबुक पर बता सकते हैं, इसके साथ साथ ट्विटर पर #result टाइप करते हुए आप अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं। बीकानेर से खालिद कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े, बताइए खालिद साहब आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। जी नमस्कार। आज बहुत बड़े बड़े विद्वान मौजूद हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। जी इतने कहूंगा, आज जिन बच्चों के अच्छे रिजल्ट नहीं आए, जिन जो बच्चे अच्छे अंक ला पाए वो हिम्मत नहीं आ रहे, मन लगा के पढ़ाई करें, अगली बार अल्लाह ने चाहा तो उनका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। जी मेरी ये दुआ है सबके लिए। चलिए शुक्रिया आपका। इस बीच में सवाल शिक्षा का है, गुणवत्ता का है और एक साथ 17 मेरिट का है। 17 मेरिट को कुछ लोग शक की निगाह से देखते हैं, कुछ मानते हैं कि बेहतर हुआ है, एक स्कूल के एफर्ट्स थे जो इस तरह से रंग लाए, क्योंकि खास तौर पर पहले 5 मुकाम पर वही उसी स्कूल से बच्चे काबिज हुए हैं। ऐसे में क्या ये संभव है, पहला बड़ा सवाल। तो अग्रवाल साहब, क्या ये संभव है? असंभव विषय जैसा तो कुछ इसमें कह नहीं सकते, क्योंकि 10वीं का विद्यार्थी 6 विषयों के प्रश्न पत्र हल करता है। जी
इसलिए और मेरिट बनती है सबका योग करने के बाद। ये व्यवहारिक रूप से कैसे संभव होगा कि अलग अलग विषय की कॉपी अलग अलग जगह जची और फिर योग सबका एक समान आ जाए, इसलिए इस पर शंका करने का तो कोई कारण नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि कहीं अपने को ऐसा लगता है कि एक स्कूल से 17 मेरिट क्यों आई, तो अब से पहले के पुराने उदाहरण भी हैं जहाँ एक विद्यालय से 5 भी आई हैं और 7 भी आई हैं। अब उस संख्या में यदि वृद्धि हुई है तो फिर हमको लग रहा है। और जब 5 आई, उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, भरतपुर के आदर्श विद्या मंदिर के व्यवस्थापक के नाते मेरे ऊपर दायित्व था बोर्ड के चेयरमैन बनने के पहले, और उस विद्यालय से 10वीं के 5 मेरिट आई थी जी। पहली बार बोर्ड के इतिहास में पहली और दूसरी पोजीशन उसी विद्यालय की आई थी, और उस समय बोर्ड के चेयरमैन थे डॉक्टर पीसी व्यास। वैचारिक आधार पर वो आदर्श विद्या मंदिर के निकट नहीं, कहीं दूर ही माने जा सकते हैं। उन्होंने भी जांच कराई थी, लेकिन उस जांच में कुछ मिला नहीं, क्योंकि उन बालकों में ऐसे बालक थे जो बाद में जीवन में बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर स्थित हुए हैं। इसलिए उनके जीवन की योग्यता है तो केवल इस मेरिट के आधार पर मूल्यांकन न करें, क्षणिक है, इसके आधार पर इतना मन में कोई सोचने का कारण नहीं। आगे वो जीवन में बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, आपकी राय में विचार करना है जी। सुरेश जी, आपकी राय में? मैं अग्रवाल साहब की बात से पूर्णतया सहमत हूँ, और मेरा मानना यह है कि यदि यही मेरिट सरकारी स्कूल में आई होती तो शायद इतना बड़ा बवाल या इतना बड़ा प्रश्न नहीं होता। चूँकि एक निजी स्कूल की मेरिट आई है, इसलिए संशय का विषय माना जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि निजी स्कूल के जितने भी अध्यापक संचालक जो हैं, वो जी तोड़ मेहनत करते हैं बच्चों पर, अपना सब कुछ उड़ेल देते हैं बच्चों पर, स्कूल के अलावा अलग से उनको टाइम देते हैं, उनके एक फ्रेंडली माहौल तैयार करते हैं जी, बच्चों को नोट्स तैयार करवाते हैं, किस तरह से उनको मेरिट में आना है वो उनकी पूरी प्रिपरेशन कराते हैं, बच्चों से एक अच्छा अध्ययन का माहौल तैयार करते हैं विद्यालय में, और उन्हें ये बताते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की किस किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। अभी अग्रवाल साहब ने बताया कि मूल्यांकन का आधार केवल दो ही चीज़ें रखी है इन्होंने, एक तो कॉपी का मूल्यांकन और दूसरा जो विद्यालय 17 अंक भेजता है विद्यालय से, तो दोनों को मिला करके सभी बच्चों के 17 अंक में अगर शत प्रतिशत अंक भेजे जाए, ऐसा ही हुआ इसके साथ भी जी, तब जी। शत प्रतिशत अंक तो बच्चों के मूल्यांकन पे आधार मूल्यांकन पर मतलब वो डिजर्व करते डिजर्व करते हैं बच्चे, बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अरविंद माथुर साहब, ऐसे में उस स्कूल का मॉडल अडॉप्ट किया जाना चाहिए अगर ऐसा स्कूल है, और बाकी जगहों पर भी क्या वो पैटर्न लागू किया जाना चाहिए? यकीनन, अगर ऐसा सफलता का मार्ग मिलता है और उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल सकता है, तो यकीनन उसकी जानकारी बाकी औरों को भी हासिल होनी चाहिए जी, जिससे आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी उसका लाभ मिल सके। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मालूम चला, बात हुई, तो यकीनन ऐसे जो विद्यालय हैं वो अपने यहाँ 9th क्लास में ही 10th क्लास का सिलेबस लेकर के पूरे साल भर 10th क्लास की पढ़ाई कराते हैं, और दोबारा वापस वो सिलेबस 10th क्लास का उसका रिपीटेशन कराते हैं। इसी तरह 12th क्लास का जो पढ़ाई है उसको वो 11th क्लास में पूरी करा लेते हैं, फिर उसका रिवीजन 12th क्लास में करा लेते हैं, फिर उसके अलावा उसके साथ साथ वो अलग से उन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देते हैं, क्योंकि उस संस्था से उनकी मान प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है जी। बच्चों के साथ में उनका पूरा पूरा लगाव रहता है, पूरा पूरा ध्यान देते हैं वो अपने टीचर्स को, एक्स्ट्रा जो भी मेहनताना उनका बनता है वो उनको देते हैं और बच्चों के लिए मॉडल अडॉप्ट किया जाना चाहिए कुल मिला के। चलिए, क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं नीलम अग्रवाल जी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, गंगापुर सिटी से है। आपको बहुत बहुत बधाई नीलम जी, पूरे राजस्थान के लिए ये जिज्ञासा का विषय है कि आखिर एक साथ 17 मेरिट, एक बड़ा मुकाम, ऐतिहासिक सफलता, इसके पीछे क्या राज है, अब राजस्थान जानना चाहता है। नीलम अग्रवाल जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कनेक्शन कट हो गया, हम फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे। इस बीच भरतपुर के कामा से धर्मेंद्र जी जुड़े, बताइए धर्मेंद्र जी, आपकी राय क्या है? सर, आप सभी को नमस्कार जी, बताएं। सर जी, आप मेरी पूरी बात सुनना। हाँ जी, ये सभी सरकारी शिक्षकों के ये विचार कि सरकारी स्कूल बहुत गरीब तबके एवं कमजोर वर्ग दिमाग वाले बच्चों का दाखिला लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है जी। प्रतिभा हमेशा गुदरी से ही निकलती है, और एक कहावत भी है, लाल तो गुदरी निकलते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा सर जी, बताएं। मेरे क्षेत्र में कठुमर कस्बे में गडरी लोहार की बेटी इंदिरा
जिसने साइंस वर्ग में 83% प्राप्त किए हैं और भुशावर में कबाड़ी के बेटे ने 84% प्राप्त किए हैं जी। सर निखार तो शुरू करते हैं, चलिए जगह का फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। गौतम साहब, इस बीच में जो मॉडल की बात की जा रही थी, ये मॉडल क्या सरकारी स्कूल्स अप्लाई कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं? नहीं, निजी स्कूलों वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो बात की बात है। सबसे पहले उनका स्टडी मॉडल क्या है जी, जैसा माथुर साहब ने कहा कि 9th से उनकी तैयारी कराई जाती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो बच्चे उनका पिछले सालों का क्या परफॉर्मेंस है। एग्जैक्टली उनकी इंटेलिजेंसी पे हमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई टैलेंटेड बच्चा निकलता है, दिखता है ऐसा, तो उस पर काम करना शुरुआत से बिल्कुल किया जाता है। निजी स्कूल जब बच्चा नर्सरी से आता है तब से उसके साथ लगता है। एक आप केवल 10वीं के परीक्षा परिणाम पे जा रहे हैं, आप देखिए पिछले 10 साल में उसने क्या किया है। केवल एक दिन के परिणाम पे आप ना जाएं, इंटेलिजेंसी पे कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, उस स्कूल का स्टडी मॉडल क्या है, उन्होंने कितने दिन मेहनत की है। दूसरी चीज, हमें सोचने से पहले ये सोचना चाहिए क्या बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम आ रहा है क्या किसी कॉम्पिटेंसी एग्जाम का है? नहीं, वहाँ एक मार्किंग स्कीम होती है, एक पाठ्यक्रम होता है, पेपर पैटर्न होता है, सारी चीज़ें फिक्स होती है। ऐसी स्थिति में उस विद्यालय के शिक्षकों ने उन विद्यार्थियों को किस तरह तैयार किया ये देखना चाहिए जी, जिससे हमें आगे के लिए भी मार्गदर्शन मिलेगा। आप अपने यहाँ किस पैटर्न को फॉलो करते हैं? इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जी, ताकि विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। होता यह है कि अक्सर विद्यार्थी बीच बीच में विद्यालय चेंज करता है जिससे भी समस्याएं आती है। ऐसे विद्यालय जहां विद्यार्थी आरंभ से लेकर 10वीं 12वीं तक रहता है, वहां के टीचर्स और अभिभावक के बीच एक तालमेल होता है जिससे उनका अध्ययन अध्यापन निरंतर जारी रहता है। उससे परिणाम तालमेल आप मानते हैं जरूरी? बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में यही अंतर है, तालमेल का अभाव। वहां शिक्षक अभिभावक मीटिंग नहीं हो पाती है, निजी स्कूलों में ऐसा होता है, जिससे विद्यार्थियों के बारे में वन टू वन कनेक्शन बेहद जरूरी है। वन टू वन, फेस टू फेस, ईच एंड एवरीथिंग जानकारी रहती है जिसका फायदा एंड में मिलता है। देवेंद्र जी हैं जालोर से जुड़े हैं, देवेंद्र सुथार हमारे साथ, बताइए देवेंद्र जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार सर। सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई होती है और सरकारी विद्यालय से भी मेरिट में आते हैं, जो निजी विद्यालय में जो 12वीं तक मेरिट में दिखते हैं, फिर आगे उनकी कहीं नौकरी नहीं लगती है। और कलेक्टर तो सर सरकारी विद्यालय से बनते हैं, और मैं स्वयं भी सरकारी विद्यालय में पढ़ता हूँ और 12वीं में कला संख्या के साथ मेरी भी 85% बने हैं सर जी। चलिए बधाई आपको और शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। महावीर जी, ऐसे में क्या जो वन टू वन कनेक्शन वाली बात है वो क्या संभव है? कोई विशेष अगर पद्धति है जिसको निजी स्कूल अपनाते हैं तो क्या सरकारी स्कूलों में उसे अपनाया जा सकता है? जैसा अग्रवाल साहब ने जिक्र किया था कि अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया, निजी विद्यालयों की स्थिति सरकारी विद्यालयों से बिल्कुल भिन्न होती है। यदि आप फोर्टिस हॉस्पिटल की तुलना सवाई मानसिंह से करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। निजी विद्यालयों में केवल एक व्यक्ति का उसमें स्वामित्व होता है, वो स्वयं निर्णय ले सकता है और अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। हमारे बहुत सारे हमारे साथ में ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से हमको ऊपर के अधिकारियों जैसे निर्देश देते हैं, हमारा एक टाइम टेबल होता है। लेकिन अभी हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने एक अभी सर्कुलर जारी किया है और सभी विद्यालयों में कि जहां पर हमारी एसडीएमसी का गठन किया है और जिसमें समाज के कुछ व्यक्तियों को और एक महीने में एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग करने के लिए कहा है। शुरू हुआ है, मतलब शुरू हुआ है हो गई जी, पहले भी था लेकिन अभी इसको पालना इसकी की है और अभी उन्होंने एक टाइम टेबल दिया है जिसकी मॉनिटरिंग एक वर्ष में 5 बार एक विद्यालय की होगी। क्योंकि अभी तक बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे जिनका निरीक्षण एक बार भी नहीं हो पाता था, लेकिन अब की बार उन्होंने एक योजना बनाई है और विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की उन्होंने स्थापना किया है जिसका 3 वर्ष का एक टाइम टेबल दिया है, जिसमें प्रथम चरण में ये 17-15, 16-17, 17-18 3 वर्ष में उन्होंने दिया है और नामांकन वृद्धि का लक्ष्य दिया है, परीक्षा परिणामों का भी लक्ष्य दिया है और उसमें अभी कार्रवाई हुई है और इसमें बहुत सारी मीटिंगें हमारी हो चुकी हैं, बहुत सारा इसमें काम चल रहा है और बहुत सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। चलिए, सकारात्मक परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं, बेहतर होती जा रही है शिक्षा, सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, हर जगह शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार है। जो कॉम्पिटिशन की बात है वो कॉम्पिटिशन ने माहौल को बेहतर बनाए हैं। ऐसे हालात में कहीं कुछ उदाहरण भी है, सवाई माधोपुर का उदाहरण लेंगे ब्रेक के उस पार, जहां एक बच्चा 90% से ज़्यादा अंक सभी विषयों में लेकर आता है लेकिन हिंदी में 1 अंक आता है। ऐसे में वो उत्साहित नहीं है, वो थोड़ा परेशान है। ऐसे बच्चों के लिए क्या रास्ता हो सकता है? खामी अगर कहीं नहीं है तो फिर सुधार की गुंजाइश कहाँ हो सकती है? ब्रेक के उस पार। धीरे धीरे लग रहा है कि सरकारी स्कूलों के अंदर भी शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, जहाँ के अध्यापक, प्रधान अध्यापक
अपने को जिम्मेदार मानते हुए शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, अपनी ड्यूटी सिर्फ नौकरी करने तक सीमित न रख के एक जिम्मेदारी के रूप में बच्चों को शिक्षा देते हैं तो वहाँ के रिजल्ट अच्छे आते हैं। बालिकाओं को अधिक से अधिक पढ़ाना, और बालिका अगर आगे पढ़ेगी तो आने वाले समय में युवकों को भी कंपटीशन देगी, और इससे समाज में हर तरह की कुरीतियों का